डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मैप्स की टेक्निक्स उनको सीखेंगे। बहुत तरह की टेक्निक्स होती हैं ये, तो हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी टेक्निक है और किस किस प्रकार से ये हमारे काम आती है, है ना, उनकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बेसिकली ये तरीका है कि किस तरह से हम आंकड़ों का निरूपण जो है वो ये मान लीजिए कि मानचित्रों के ऊपर करते हैं। तो जहाँ पर हम गुणों को आधार मानकर मानचित्रों की रचना करते हैं वो हमारे गुणात्मक मानचित्र होते हैं, वो हमारे क्वालिटेटिव मैप्स होते हैं। लेकिन जहाँ पर हम मात्रा को आधार लेकर उसके आधार पर जब मानचित्रों की रचना करते हैं तो वो मात्रात्मक मानचित्र कहलाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जब इन मानचित्रों को हम करते हैं तो हमें इनके वर्गीकरण पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इन मानचित्रों के वर्गीकरण की बात करते हैं, क्योंकि हम समेकित रूप से इनको डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स कहते हैं, वितरण मानचित्र कहते हैं। और हम इनको डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बेसिकली गुण या मात्रा उसको हम किसी निश्चित मानचित्र के ऊपर दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली हम इसमें वितरण दर्शाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनको वितरण मानचित्रों की श्रेणी में रखा जाता है। इस टॉपिक में मानचित्रों के कुछ उदाहरणों को करने से पहले हमारी ये दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर इनका वर्गीकरण हुआ है। तो देखिए कि हम गुणात्मक पक्ष को दर्शा रहे हैं या मात्रात्मक पक्ष को दर्शा रहे हैं, उसके आधार पर इनके दो मोटे वर्गीकरण बनते हैं। पहला है क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स जो मैप रिप्रेजेंटेशन के हैं, डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के हैं, उनमें हम ये गुण प्रधान होते हैं, ये गुण प्रधान होते हैं, इसीलिए इनको गुणात्मक विधियां या इनके मानचित्रों को गुणात्मक मानचित्र कहा जाता है। और दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये मात्रा आधारित होते हैं, अर्थात मात्रात्मक विधियों के द्वारा बनाए गए मानचित्र होते हैं, इनको मात्रात्मक मानचित्र भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम गुणात्मक जो विधियां हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक है कोरोक्रोमैटिक, है ना, इनको हम डिटेल में भी करेंगे, क्योंकि ये जो जो हमारे कोर्स में है उनको हम काफी डिटेल में करेंगे। ये कोरोक्रोमैटिक, क्रोमैटिक क्रोम, क्रोम का अर्थ होता है रंग, ठीक है। तो ये कहलाते हैं रंगारेख मानचित्र, ठीक है। और क्योंकि क्रोम का अर्थ ही होता है रंग, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी किताबों के कई बार आप देखते हैं, बच्चों की किताब में विशेष तौर पर यदि आप उनकी सामाजिक विज्ञान की किताब देखते हैं तो उनकी किताब में जैसे मान लो राजस्थान का मानचित्र दिया हुआ है और उस राजस्थान के मानचित्र में अलग अलग जिलों को अलग अलग रंगों से दिखाया हुआ है, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों को अलग अलग सिंबलाइज करने के लिए वो कलर यूज कर किए गए हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए सीकर में लाल रंग भरा गया है और जयपुर में हरा भरा गया है, गंगानगर में भूरा भरा गया है, तो उसका उसका तात्पर्य जो है वो सिर्फ इतना सा है कि ये तीन अलग अलग इकाइयां स्पष्ट दिखाई दे, उससे ऊपर उसका कोई तात्पर्य नहीं, ठीक है। अब इसी में इसके अंदर और है, अथवा टिंट और कलर। टिंट में क्या होता है कि इसमें कई बार क्या होता है कि एक ही कलर की भी अलग अलग आभाएं इस्तेमाल होती है, लेकिन उन आभाओं को इस्तेमाल करने के पीछे किसी प्रकार का कोई मात्रात्मक बोध नहीं होता। उस स्थिति में हम इसको गुणात्मक विधियों में शामिल करते हैं। लेकिन यदि वो आभाएं, यदि वो टिल्ट, अर्थात एक ही कलर में का हल्का और गहरा रंगों का इस्तेमाल करना, एक ही कलर की अनेक छायाओं का इस्तेमाल करना, यदि वो मात्रानुसार है तो ध्यान रखना यही टिंट विधि जो है वो मात्रात्मक विधियों में शामिल भी होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि कई बार वर्णमात्री मानचित्र होते हैं, देखो यहां दिया हुआ है कोरोप्लेथ,
इनमें हम या तो क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का छायांकन करते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं इनके अंदर भिन्न भिन्न छायांकन के स्थान पर हम एक ही कलर के भिन्न भिन्न शेड्स ले लेते हैं, गहरे से लेके और हल्के की तरफ। तो वो जो टिंट है, वो जो शेड्स लिए हमने अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, है ना, मात्रा के आधार पे, तब वो ध्यान रखना मात्रात्मक बोध होगा रिप्रेजेंटेशन का, और वो मानचित्र मात्रात्मक मानचित्र की श्रेणी में आएगा। और जब हम ये जो क्वांटिटी का बोध नहीं लेकर चलते, तब वो गुणात्मक में अर्थात कोरोक्रोमेटिक रंगारेख आरेख की श्रेणी में आता है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप एटलस के अंदर मानचित्रों को देखना, आपको आप देखोगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे ब्राउन कलर का जो टिल्ट है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता जाता है, ठीक है। और जैसे समुद्री भागों में जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है वैसे वैसे आप देखोगे कि उसके अंदर नीलापन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो 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 टिंट है, कलर टिंट है, उसका यूज मात्रा के अनुसार किया गया है, ठीक है। उसके अंदर ये दिखाया गया कि हाँ 500 मीटर से ज्यादा गहराई पर ये शेड, उससे ज्यादा गहराई पर ये शेड, या 1000 मीटर की ऊंचाई पर ये शेड, उससे ज्यादा ऊंची यदि ऊंचे भाग हैं तो ये शेड। ये जो शेड्स का यूज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, तब फिर वो ध्यान रखना वो गुणात्मक में नहीं आएगा, फिर वो मात्रात्मक का भाग होगा। तो यहाँ ये टिंट को क्लियर करना बहुत आवश्यक है। सिंपल शेड मेथड, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपने ठीक वही एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आपने राजस्थान का मैप बनाया और उसके ऊपर आपने 33 जिले दिखाई, है ना। 33 जिलों में आपने क्या किया, किसी में लाइनें पास पास बना दी, किसी में लाइनें दूर दूर बना दी, किसी में आपने लाइनों की बजाय बॉक्सेस बना दिए, अर्थात खड़ी और आड़ी दोनों लाइनें बना दी, किसी में क्या किया आपने खड़ी और आड़ी लाइनें पास पास बना दी तो वो जो बॉक्सेस बने वो छोटे बन गए, किसी में आपने तिरछी लाइनें बना दी। तो आपने क्या किया, अलग अलग शेड्स का इस्तेमाल किया, लेकिन ध्यान रखना आपने केवल और केवल इनका इस्तेमाल किया है जिले आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए कि भाई कौन सा जिला कहाँ है, सिर्फ इतने से उद्देश्य के लिए। आपका इसके पीछे कोई भी मात्रात्मक बोध नहीं है, कोई भी मात्रात्मक बोध नहीं है, केवल गुणात्मक बोध को लेकर आप चले, ठीक है। फिर देखिए सिंबल और कोरोस्कीमेटिक। अब कोरोस्कीमेटिक में क्या होता है कि हम जैसे क्या करते हैं, जैसे पर्यटक स्थल है, है ना, आपने जैसे मान लो आपको सरिस्का रणथंबोर दिखाना है, वहां आपने शेर बना दिया, ठीक है, या टाइगर बना दिया, ठीक है। जैसे मान लो आपको आसाम की कोई सेंचुरी बनानी है तो आपने वहां राइनो बना दिया, है ना, एलिफेंट बना दिया, ठीक है। या जैसे गिर फॉरेस्ट दिखाना है तो वहां आपने गिर लॉयन बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ जो आपकी किताबों में आपने खूब देखा है, है ना, वो आपके 9th के बाद से कई बार आ चुका है। जैसे मान लीजिए भारत के मानचित्र पर आपको दिखाना है कि लोह अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है, कोयला कहाँ कहाँ मिलता है ना, मैगनीज कहाँ कहाँ मिलता है, बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है। तो आपने क्या किया इनको दिखाने के लिए, और आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि आपने कोयले के लिए एक एक छोटा वर्ग ले लिया खाली, है ना, और आयरन ऑर के लिए आपने उसी साइज का वर्ग लिया लेकिन वो सॉलिड है, मतलब वो पूरा पूरा वो ब्लैक पूरा भरा हुआ है ना। फिर आपने बॉक्साइट के लिए जैसे ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। डायमंड के लिए आपने क्या किया, एक 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 दो ट्रायंगल को जोड़कर, ठीक है, एक सिंबल ले लिया, थोड़ा सा स्टार जैसा सा ले लिया मान लीजिए। तो इस तरह से आपने क्या किया, और साइड में टेबल बना दी कि जहां स्टार बना हुआ है वहां डायमंड मिलते हैं, जहां पे वर्ग बना हुआ है वहां कोल मिलता है, जहां पे वर्ग बना हुआ है और वो पूरा काला है वहां पे आयरन ऑर मिलता है। तो इस तरह के जो जो मैप्स हैं उनमें आपने केवल ये बताया है कि कहां पर मिनरल मिलता है, कितना का बोध नहीं आया, मात्रा का बोध नहीं आया है, ठीक है।
तो वो भी इसी के अंदर आएगा। अब इसमें सिंबल कई तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया जियोमेट्रिकल सिंबल्स का, मैंने कहा ना हम ट्राइंगल ले लेंगे, स्टार ले लेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये सब जियोमेट्रिकल सिंबल्स हैं, ठीक है। पिक्चोरियल सिंबल्स भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे जहाँ भेड़े मिलती हैं वहाँ भेड़ बना दिया, जहाँ टाइगर है वहाँ टाइगर बना दिया, जहाँ लायन है वहाँ लायन बना दिया, जहाँ राइनो है वहाँ राइनो बना दिया, जहाँ एलिफेंट है वहाँ एलिफेंट बना दिया, मतलब वी कैन यूज पिक्चर्स ऑल्सो, हम इसके लिए तस्वीरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और लिटरल सिंबल, लिटरल सिंबल्स में हम क्या करते हैं, जो जो शब्द होते हैं ना, या तो हम क्या करते हैं उनका, जैसे जैसे हमने उनका उनका पहला लेटर इस्तेमाल कर लिया, या कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लिया, जैसे पहला दूसरा लेटर कर लिया, या पहला दूसरा तीसरा कर लिया, या उनका नाम लिख दिया, जैसे आपने कोल के लिए लिख दिया CO और कॉपर के लिए लिख दिया COP, है ना। तो कोल और कॉपर को आप अलग अलग आइडेंटिफाई भी कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से इनको हम लिटरल सिंबल्स कहते हैं, ठीक है। और तीसरा, इसमें चौथा और मेथड है, क्योंकि ये तो अभी हमने प्रकार किए हैं कोरस में स्कीमेटिक के, ये नेमिंग मेथड। नेमिंग मेथड में हम क्या करते हैं, पूरा पूरा नाम उसका लिख देते हैं, जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है उसका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मात्रात्मक विधियों की, ठीक है। तो मात्रात्मक विधियों में हमारे इवन हमारे कोर्स में सबसे पहले आइसोप्लेट से ही शुरुआत होती है। ये सममान मानचित्र है। सममान मानचित्र में क्या होता है कि सममान रेखाएं बनाई जाती है। आपने अपनी किताबों में बहुत देखे हैं ये इस तरह के मानचित्र, आपने देखा है ना। जलवायु के चैप्टर में आप देखते हो कि समताप रेखाएं दर्शाई हुई है, है ना, या समवर्षा रेखाएं दिखाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह ये जितनी भी जो रेखाएं होती हैं सममान रेखाएं, है ना, चाहे वो समताप रेखा हो, चाहे समदाब रेखा हो, चाहे समवर्षा रेखा हो, चाहे समलवणता रेखा हो, कोई सी भी हो, है ना। सममान इसलिए है क्योंकि ये समान मूल्यों वाले स्थानों को मिलाती है, इसलिए हम इनको आइसोलाइन या सममान रेखा की संज्ञा देते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये जो मानचित्र हम बनाते हैं मात्रात्मक विधि के द्वारा सममान में, इसमें हम जो रेखा ड्रॉ करते हैं ना, उसको हम पूरी तरह से जो क्वांटिटी होती है उसके अनुसार ही ड्रॉ करते हैं, क्वांटिटी के अनुसार ही हम उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम एक विधि का यूज करते हैं, अंतर्वेशन विधि, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, अभी तो हम सिर्फ वर्गीकरण कर रहे हैं। अंतर्वेशन विधि के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल सटीक बिंदुओं का निर्धारण करके उचित मान जो हमें लेकर चलने हैं उनके लिए, और फिर उनको ज्वाइन करके हम समान मूल्यों की रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, वो सम्मान रेखा मानचित्र कहलाते हैं। और निश्चित रूप से ये मात्रात्मक मानचित्रों की श्रेणी में आते हैं। अगला है कोरोप्लेथ। ये बहुत फेमस टेक्निक है मात्रात्मक तकनीकों में, इसको वर्णमात्री कहते हैं। वर्णमात्री मानचित्रों में क्या करते हैं, जैसे आपने आपकी किताबों में ये मैप्स बहुत आते हैं, है ना। अभी आपको ये थोड़ा लग रहा होगा कि कुछ नया है, ये नया नहीं है, ये चीजें आपकी किताबों में आप बार बार पढ़ते आए हो। जैसे आपके मान लीजिए कि आपके एक डायग्राम दिया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया एज पर पॉपुलेशन सेंसस 2011, ये मान लीजिए एक डायग्राम आपके पुस्तक में आया, ठीक है। अब आपने देखा कि उसमें कैटेगरीज बांट के दिखाया हुआ है, सबसे ऊपर दिखाया हुआ है मोर देन 1000 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर, नीचे दिया हुआ है उसके नीचे 750 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसके नीचे दिया हुआ है 500 से 750 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसके नीचे दिया हुआ है 250 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे नीचे दिया हुआ है शून्य से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये पांच क्लासेस मिली ना, और इन क्लासेस में हमने देखा कि जो शून्य से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला सेक्शन है ना, वहां पर सबसे हल्की छाया बनाई हुई है,
और ये छाया गहरी होती जाती है जैसे 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 जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, और उसी के हिसाब से पूरे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डेटा हमने नोट कर रखे हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि इन पांचों कैटेगरी में, ठीक है, कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहली जो कैटेगरी है मोर देन 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मान लीजिए कि उसमें तीन दो राज्य और सपोज उसमें चार केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं, तो हम वो जो सबसे गहरी छाया है वो इन दो राज्यों में और चार केंद्र शासित प्रदेशों में बना देंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरी श्रेणी में आ रहे हैं उनकी उनकी छाया हम उसमें बना देंगे, ऐसे करके हमारा पूरा मानचित्र तैयार होगा, ठीक है। मानचित्र को देखते ही हमें पता लग जाएगा भारत में जनसंख्या घनत्व कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम, ठीक है। और यही कारण है इन मानचित्रों को बनाने का, ताकि आंकड़ों का बेहतर निरूपण हो सके, आंकड़ों का बेहतर प्रदर्शन हो सके, वो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किए जा सके, यही उद्देश्य है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ शायद ये चीज क्लियर हुई होगी। एक है डॉट मेथड। डॉट मेथड का इस्तेमाल आपने देखा होगा कि आपके छोटी क्लासेस में भी आया है। और डॉट मेथड में बेसिकली क्या होता है कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, ग्रामीण जनसंख्या होती है, ठीक है, उसके लिए हम इस मेथड का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या में, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, तुलनात्मक रूप से कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक निश्चित पैमाना ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया कि मेरा एक बिंदु 100 व्यक्तियों को दर्शा रहा है, 100 व्यक्तियों को, ठीक है ना। अब मेरे मान लीजिए किसी जिले की ग्रामीण जनसंख्या या किसी गांव की ग्रामीण जनसंख्या मान लीजिए 1578 है, तो मैं क्या कि 1500 के लिए तो 15 बिंदु हो गए, 78 50 से ऊपर है उसके लिए भी एक बिंदु, अर्थात मैं उस गांव में क्या करूंगा 16 बिंदु बना दूंगा। और यदि कोई दूसरा आदमी उस पर काम करना चाहेगा तो उसको भी पता लग जाएगा कि इस गांव की जनसंख्या जो है वो 1500 से वो 1600 के आसपास है, ठीक है। वो थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि मैं 16 ही बिंदु बनाता 1620 जनसंख्या होती तो भी, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बिंदुओं की संख्या मात्रा के हिसाब से लगाते हैं, इसलिए ये गुणात्मक नहीं, ये एक मात्रात्मक मानचित्र है, ठीक है। अगला आता है डायग्रामेटिक मेथड्स। अब हमने देखा, आपने देखा होगा कि आपके कोर्स में भी हम बात करेंगे इनकी, आपके कोर्स में हम देखते हैं कि कई तरह के डायग्राम्स आते हैं, ठीक है, जैसे एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख, है ना, त्रिविमीय आरेख, जैसे आपके कोर्स में भी त्रिविमीय आरेख भी है, है ना, आपके कोर्स में पिरामिड मैप्स भी है, ठीक है, आपके कोर्स में शायद लाइन ग्राफ भी होना चाहिए। तो ये सब जो तरीके हैं इनके हिसाब से हम ये देखते हैं कि पहली बात कि ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, है ना, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में मतलब आरेखों की रचना हम करते हैं, और ये तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि आरेखों की रचना हम मात्रा के हिसाब से ही करते हैं। हम यदि दंड आरेख बनाएं या हम मान लीजिए वृत्त आरेख बनाएं या हम गोली आरेख बनाएं, घन आरेख बनाएं, कोई सा भी आरेख बनाएं, हम बेसिकली इन आरेखों की रचना मात्रा के अनुसार करते हैं, तो ये सब मात्रात्मक है। तो मानचित्रों के अंदर जब कई बार हम क्या करते हैं, दंड आरेख दिखाते हैं, आयत आरेख दिखाते हैं, वृत्त आरेख दिखाते हैं, गोली आरेख दिखाते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे तरह के दूसरे आरेख दिखाते हैं मात्रा के आधार पे, ठीक है। तो वो सारे के सारे डायग्राम, वो सारे के सारे मैप्स, ठीक है, जो डायग्रामेटिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली मात्रात्मक विधियों के अंतर्गत आते हैं और ये मानचित्र मात्रात्मक मानचित्र कहलाते हैं, ठीक है। ये एक मोटा मोटा एक आइडिया था कि जिन वितरण मानचित्रों की बात हम कर रहे हैं, जो मैप्स और उनके इंटरप्रिटेशन के अंदर जो हमारे को विधियां दी गई है हमारे कोर्स में,
हमें आइसोप्लैथ दिया गया है, कोरोप्लैथ दिया गया है, कोरोक्रोमेटिक दिया गया है, कोरो स्कीमेटिक दिया गया है, और इसके साथ साथ में हमें आइसोक्रॉनिक मैप्स भी दिए गए हैं, हमें फ्लो मैप्स भी हमारे कोर्स में दिए गए हैं। तो ये जितने भी, जैसे अभी मैंने आपसे बात की, जैसे फ्लो मैप्स है ना, एक्सेसिबिलिटी और फ्लो मैप्स, तो ये भी क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम दो चीजें दिखाते हैं, एक तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एक क्वांटिटी ऑफ फ्लो। तो हम क्या करते हैं, एक बेस मैप के ऊपर सबसे पहले लोकेशंस बनाते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन कहाँ है, और फिर हम उनके बीच में व्यक्ति, वस्तु या वाहनों की आवाजाही जो है उसको मात्रा के हिसाब से प्रदर्शित करते हैं। और जहां मात्रा ज्यादा होती है वहां या तो बैंड चौड़े होते हैं, और या फिर हम क्या करते हैं, एक निश्चित लाइन के लिए एक पैमाना ले लेते हैं, या तो बैंड के लिए चौड़ाई के हिसाब से पैमाना लेते हैं या नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से पैमाना लेते हैं। जैसे एक लाइन मान लीजिए 100 वाहनों को दिखा रही है, और यदि 1833 वाहन दो स्थानों के बीच में चल रहे हैं प्रतिदिन, तो हम क्या करेंगे, 18 लाइन बना देंगे। लेकिन यदि कहीं दूसरे में 1853 चल रहे हैं, तो क्योंकि वो 50 से ऊपर हो गया, इसलिए 19 लाइनें उन दोनों के बीच में निश्चित अंतराल पर बना देंगे। क्लियर? तो वो भी मात्रात्मक मानचित्र। एक आपके नाम आएगा आइसोक्रॉनिक मैप्स। आइसोक्रॉनिक मैप में हम क्या करते हैं, किसी भी लोकेशन से हम उसके चारों तरफ जो स्थान है उनको अंकित करते हैं, और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसी निश्चित स्थान से हम उस पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर औसतन कितने कितने समय में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 15 मिनट में हम उसके चारों तरफ कहां तक पहुंच सकते हैं, उसको हम एक बैंड में दिखा देते हैं। फिर 30 मिनट की यदि यात्रा करें हम अलग अलग दिशाओं में, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग जो है ना वो एक पट्टी बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम आइसोक्रॉनिक मैप्स जो है उसकी रचना करते हैं। तो मोटे तौर पे अभी हमने ये जो वितरण मानचित्र है, ठीक है, जो मूलतः दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक विधियों के द्वारा तैयार और मात्रात्मक विधियों के द्वारा तैयार, ये कौन कौन से होते हैं उनकी हमने सबसे पहले चर्चा की है। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हम इंडिविजुअल जो एक्सरसाइज है, जैसे अलग से सम्मान मानचित्र बनाना, वर्णमात्र मानचित्र बनाना, उसको हम बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे।